धम्मपद 2.1, 2.2 और 2.3 यानी 21, 22, 23 की कथा कहानी। ये कहानी पूरे धम्मपद की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक और बहुत ही लंबी और अच्छी कहानी है। ये कहानी दो रानियों की है, एक सामावती और एक मागंडीय या मागंदीय। मागंडीय और सामावती की ये कहानी उदयन जो राजा थे, राजा उदयन, उदयन या उदयन दोनों नाम उनके बोले जाते हैं, वो उनके पति थे, उनके राजा थे। सबसे पहले हम सामावती के बारे में बताएंगे। सामावती एक कौसंबी के पास में छोटा सा नगर था, छोटा सा कस्बा जिसको नगर या गांव, क्योंकि नगर नाग से बना हुआ है, नाग लोग जहां रहते थे वहां उसको नगर बोलते हैं। उसका नाम था भद्रवती। भद्र जो शब्द मैंने आपको पहले बताया है, आप उसमें देख सकते हैं, भद्रसार जो होता है यानी भद्र माने बहुत अच्छा, भद्रवती उसका नाम था, कस्बे का नाम, छोटे शहर का नाम। वहाँ जो भद्रवती है उनके पिता का नाम था, और भद्रवती है वहाँ पर नगर सेठी थे यानी नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे, सेठी थे। उनका व्यापार चलता था और उनका व्यापार कौसंबी के जो घोषित या घोषक नाम के सेठी थे, व्यापारी थे, उनके साथ में चलता था, मगर दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं। व्यापार का और उपहारों का आदान प्रदान चलता रहता था। जो भद्रवती सेठी थे यानी सेठ थे, उनकी एक पुत्री थी जो मैंने आपको अभी बताया, उसका नाम था सामावती या सामा। सामा बोलते हैं जो काली औरतें होती है हमारे यहाँ, उनको सामा बोलते हैं, और सामावती का मतलब सामा रंग वाली, वो उनका नाम था। बड़ी सुशील थी, बड़ी सुंदर, बड़ी बुद्धिमान वो कन्या थी। हुआ यूं कि भद्रवती के अंदर यानी जहाँ सामा रहती थी और जहाँ भद्रवती है उनके पिता रहते थे, व्यापार करते थे, वहाँ पर महामारी फैल गई। महामारी उन दिनों आम बात होती थी, क्योंकि जो वायरल डिसीज होती थी उनका कोई कंट्रोल या उनकी कोई वैक्सीन नहीं होती थी उस समय, वो प्राकृतिक आती थी और जैसे टेम्परेचर बदलता था वैसे वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती थी। मगर इस बीच में अज्ञानता की वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से बहुत सारे लोगों को और जानवरों को वो मार देती थी, उसको महामारी बोलते थे। महा माने बड़ा और मारी माने मार। तो उस महामारी में सारे के सारे जो भद्रवती के लोग थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भद्रवती को छोड़ना मुनासिब समझा, उचित समझा, और वो छोड़ के जाने लगे। तो जो भद्रवती थे यानी सामावती के पिता थे, उन्होंने भी निर्णय लिया कि वो अपना सब कुछ वहाँ से छोड़ के और कौसंबी चले जाएंगे। कौसंबी जाने लगे, मगर कौसंबी जाने तक जो भद्रवती और उनकी पत्नी दोनों ही वायरल जो डिसीज थी उसकी चपेट में आ गए, यानी महामारी की चपेट में आ गए। वहाँ घोषित जो सेठी थे वो वहाँ पर पिंडदान यानी भोजन दान किया करते थे, और उनका भोजन दान पूरे दिन चलता था और 365 दिन चलता था। उसकी व्यवस्था वहाँ का एक मैनेजर संभालता था। तो उनकी जो पुत्री थी, क्योंकि पिता बीमार हो गए भद्रवती है और उनकी माता बीमार हो गई, तो वो खुद खाना लेने के लिए गई। जब वो वहाँ पिंडदान में, भोजन दान में खाने लेने के लिए गई, तो उसने तीन लोगों का खाना वहाँ से लिया, तीन हिस्से लिए। तीन हिस्से लेके वो आई, खाना खाया, सुबह देखा तो उन दोनों में से एक की एक्सपायर हो गई, एक की मृत्यु हो गई, तो वो सिर्फ दो लोग बचे। अगले दिन वो दो लोगों का खाना ले लेने गई और उसने वहाँ दो लोगों का खाना लिया और लेके आ गई। ये बात जो वहाँ का मैनेजर था वो नोट कर रहा था कि इसने पहले दिन तीन लोगों का खाना लिया, बाद में इसने दो लोगों का खाना लिया। अगले दिन जब वो आई तो उसके जो परिवार में माता पिता दोनों की मृत्यु उस महामारी से हो गई और वो अकेली रह गई, तो उसने वहाँ सिर्फ एक दिन का तीसरे दिन खाना लिया। जब उसने एक दिन का खाना एक खाना लिया, एक बंदे का, एक व्यक्ति का यानी स्वयं अपना खाना लिया, तो जो मैनेजर था उसने थोड़ा सा एक व्यंग में कहा कि लगता है तुम्हें आज अपनी भूख का पहचान हुई है, आज तुम्हें पता चला है कि कितना खाना चाहिए। सामावती पहले से ही परेशान थी, वो वहाँ रोने लगी। उसने कहा, क्या बात करते हो भाई, पहले दिन हम तीन लोग थे, मेरे माता पिता, मैं, दूसरे दिन हम दो लोग रह गए और आज मैं अकेली रह गई, मेरे माता पिता एक्सपायर हो गए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सुन के जो मैनेजर था वो बड़ा व्यग्र हुआ, उदास हुआ, और उसने कहा कि ढाढ़स बंधाया कि अब तुम अकेली हो,
तुम मेरी पुत्री बन के रहो, और ये जो यहाँ काम चलता है भोजन दान का, ये बड़ा वैसा काम है, यहाँ बड़ा शोर शराबा रहता है, तुम इसको थोड़ा सा संभालो और यहीं रहो। सामावती के पास में कोई और ऑप्शन था नहीं और वो उनकी पुत्री बन के वहीं रहने लगी। तो उस जब वहाँ उसने देखा, क्योंकि बुद्धिमान थी तो उसने सारी व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। पहले जो आता था खाना खाने वाले, खाना लेने वाले, खाना जाने वाले, उन सबका आना जाना एक ही गेट से होता था। उसने अपनी बुद्धिमानी से आने जाने वालों का रास्ता अलग अलग करा दिया। वहाँ फिर बिना कोलाहल के, बिना शोर शराबे के खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था चलने लगी। जो घोषित थे, घोषित ने जब ये देखा कि अब यहाँ शोर शराबा नहीं होता तो बड़े प्रसन्न हुए, और जब ये पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसने कहा कि ये मेरी पुत्री ने किया है। मैनेजर ने कहा, घोषित ने कहा कि जहाँ तक मुझे मालूम है आपकी कोई पुत्री तो है नहीं। उसने फिर उस सारी घटना बताई और बताई कि ऐसे ऐसे ये भदवती से आए हुए हैं, जो भदवती है व्यापारी थे, उनकी सेठी है, उनकी पुत्री है ये। ये सुनकर जो घोषित थे उनको बड़ा आघात लगा, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे मगर एक दूसरे को देखा नहीं। वो उसको अपने साथ ले गए और अपनी पुत्री बना के उसको रखा, और वहाँ सामावती अपना रहने लगी। सामावती जब वहाँ रहने लगी तो अब कुछ दिनों बाद वहाँ एक मेला हुआ, उस मेले में वो गई, और मेले में जाके, क्योंकि वो सुंदर थी, युवती थी, जवान थी, सुशील थी, बुद्धिमान थी, इसलिए मेले में जब गई तो राजा उदयन की निगाह उस पर पड़ी और राजा उदयन मोहित हो गए, और राजा उदयन ने घोषित से उनके विवाह का प्रस्ताव किया और मांगा, उनका हाथ मांगा। चूँकि सेठी, नगर सेठी की एक अपनी पहचान होती है, नगर सेठी बहुत पावरफुल होता है, इसलिए घोषित ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे नहीं करूँगा। मगर सामावती बहुत सुलझी हुई थी, वो जानती थी कि अगर ये मेरे दत्तक पिता अगर मना करेंगे तो राजा उदयन इनका नुकसान कर देंगे, इसलिए उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं बात करती हूँ और आपकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी। वो राजा के पास गई, वहाँ उसने शर्त रखी कि वो उसको पटरानी बनाए, पटरानी बनाने के बाद अगर वो बनाता है तो ठीक है। फिर वो दोनों की शादी हुई और वो राजा उदयन की पटरानी सामावती बन गई। ये सामावती के राजा उदयन के महल में पहुंचने की कहानी है। अब मागंडिया क्या थी? मागंडिया कम्मासपुर में बाहर से आया हुआ व्यक्ति भारत में रहता है, उसको बही अमिक बोलते हैं। तो एक मागंडिया नाम के बही कम्मासपुर में रहते थे। कम्मासपुर धम्म जो नगर है वो कुरु प्रदेश का है, कुरु प्रदेश जो जिसको आज की डेट में हरियाणा और पंजाब बोलते हैं, वो कुरु प्रदेश है। आपने कुरुक्षेत्र का नाम सुना होगा, कुरु यहीं से बना हुआ है। तो कुरु जो प्रदेश था, उस कुरु प्रदेश के एक छोटे से नगर कम्मास धम जो निगम है, जहां आज की डेट में कम्मास का बहुत बड़ा पगोड़ा भी बना हुआ है, और वहां पे विपसना सिखाने का कम्मासपुर धाम के नाम से एक बाकायदा गुरुजी एस एन गोयका जी ने वहां विपसना का केंद्र भी बनवाया है। तो ये वहाँ की घटना है। वहाँ पर जो मागंडीय एक नाम का व्यक्ति था, वो अपनी एक रूपवती लड़की जो मागंडिया जिसका नाम था, उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश में था। वहीं पे जो भारद्वाज नाम का बही अमिक एक व्यक्ति था, वो वहाँ एक आश्रम बनाकर रहता था। जब भगवान बुद्ध कम्मासपुर धम्म में आए तो वहाँ जो बहिमिक जो भारद्वाज नाम का व्यक्ति था उससे वार्तालाप हुआ। वार्तालाप में वो निकम्मा साबित हुआ तो भगवान वहाँ से चल दिए। भारद्वाज के आश्रम में उस व्यक्ति ने, जो मागंडीय था, उसने देखा था भगवान बुद्ध को और वो उन पर मोहित हो गया। उसको लगा कि मागंडिया जो उसकी पुत्री है उसके लिए ये व्यक्ति अच्छा रहेगा, हालांकि ये समन है, ये शादी नहीं करेगा, मगर मेरी जो पुत्री है वो इतनी रूपवती है कि वो इसको मोह लेगी। ऐसा सोच के वो दौड़ा दौड़ा घर गया और वहाँ जाके उसने अपनी पुत्री को और पत्नी को कहा कि जल्दी से चलो, हमें एक बहुत अच्छा वर दिखाई दिया है, शायद हमारी बात बन जाए। जब वो वहाँ से गए तो उन्हें पता चला कि अब ये जो भारद्वाज व्यक्ति था उसके यहाँ से भगवान बुद्ध उसको निकम्मा कह के आगे बढ़ चुके हैं, तो वो पीछे पीछे उनके गया। वहाँ जाके उसने नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद में कहा कि मैं अपनी पुत्री का हाथ आपको देना चाहता हूँ, आप इसे शादी कर लीजिए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मैं वीतरागी हूँ, वीतकामी हूँ और मैं अब सम्यक संबुद्ध हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं इन सबसे परे हो चुका हूँ। उन्होंने से आगे ये कहा कि जब मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और मार ने मुझ पर हमला किया तो उसकी जो तीन पुत्रियाँ थीं, तृष्णा यानी तणहा,
श्रुतति और तीसरी पुत्री का नाम था राग। यानी जो ये राग और ऐरति और तृष्णा जो थी, इन तीनों ने, ये तीनों क्वालिटी हैं, कोई औरत का नाम नहीं है। जो तृष्णा है, तृष्णा का मतलब तृणा होता है, क्रेविंग्स होती हैं जिसमें हमें चाहिए चाहिए होता है या बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है। और ऐरति का मतलब है कि आसक्ति ना हो, यानी उसमें रत ना रहें। और जो राग है, राग का मतलब है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उसको राग बोलते हैं। तो इसका बहुत ज़बरदस्त हमला जब उन पर हुआ था तो वहाँ भी उन्होंने उसको विफल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी कहीं कोई इच्छा नहीं है, और जो शरीर होता है वो मलमूत्र से भरा होता है, बेशक कोई कितना भी सुंदर हो, मैं अपने पैर से भी उसको छूना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं सम्यक्सम बुद्ध हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहने के बाद में जो वो मागंडीय नाम का व्यक्ति था, उसने उनको नमस्कार किया और वो दोनों पति पत्नी ने उनकी शरण में गए और वहाँ वो अनागामिक हुए। मगर जो मागंडिया थी, मागंडिया को अपने सौंदर्य पे, अपने रूप पे बड़ा घमंड था। और जब उसने भगवान बुद्ध के ये वचन सुने कि वो मलमूत्र से भरा हुआ शरीर होता है और वो ऐसी चीज़ को किसी को अपने पाँव से भी छूना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब वो सम्यक सब बुद्ध हो गए और उसके आवश्यकता भी नहीं है, तो वो पूरे जीवन भर के लिए भगवान बुद्ध की बैरी हो गई, दुश्मन हो गई। चूँकि वो दोनों अनागामिक हो गए, उन्होंने शरण भगवान बुद्ध की ले ली, जो उसके माता पिता थे, वो अकेली रह गई। तो जो मागंडी उसके चाचा थे, चाचा के पास वो रहने लगी। एक बार वो चाचा के साथ कौसंबी में गई। कौसंबी में जाने के बाद में जो राजा उदयन थे, राजा उदयन को वो पसंद आई और राजा उदयन ने मागंडिया से शादी कर ली और उसे भी पटरानी बनाया। अब कहानी के अंदर सामावती भी पटरानी है और मागंडिया भी पटरानी है। मागंडिया भगवान बुद्ध की जीवन भर की बैरी है, क्योंकि किसी स्त्री को अगर अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड हो, बड़ा अभिमान हो, बड़ा मान हो और वो उसी में जीती हो, उससे बाहर ना निकल पाए और वो कोई उसकी सुंदरता के बारे में ऐसे शब्द कह दे, जाने में या अनजाने में या सच में जो सही बात है वो कह दे, तो वो सत्यता की तरह से नहीं देखती, उसको अच्छी निगाह से नहीं देखती, वो बुद्धि पे उसको नहीं परखती और वो उसको दिल से लगा लेती है और वो उसकी जीवन भर के लिए दुश्मन बन जाती है। ये स्त्री का एक गुण है, ये मागंडिया के अंदर भी था। अब सामावती, मागंडिया और उदयन तीन लोग वहाँ हो गए कौसंबी के राजघर घराने में। आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। बुद्ध चारिका करते हुए कौसंबी आते हैं। कौसंबी में जो घोषित हैं वो उनके लिए एक आराम यानी बिहार बनवाते हैं, जिसको घोषित आराम भी बोला जाता है। तो घोषित वहाँ के तीन नगर सेठ हैं, एक घोषित हैं, एक कुक्कुट हैं और एक पावारिक हैं। तीनों ही उनकी सेवा में लग जाते हैं और तीनों ही उनके शिष्य बन जाते हैं, उनके शिष्य बन के उनकी सेवा करते हैं। उधर राजमहल के अंदर एक खुजुत्रा नाम की दासी है, सेविका है, जो सामावती की सेविका है, प्रमुख सेविका। वो उसको, सामावती उसको रोज 8 कासापर्ण यानी मुद्राएं देती है फूल खरीदने के लिए, जो उसे सुबह फूल खरीद कर लाने होते हैं। खुजुत्रा थोड़ी कुबड़ी है, इसलिए वो जाती है और 4 मुद्राओं का वो फूल खरीदती है और 4 मुद्राएं रोज बचा लेती है। ये उसकी जीवन दैनिक जो चर्या थी उसके अंदर ये बात चलती रहती है। जब भगवान बुद्ध वहाँ आते हैं तो जो दुकानदार होता है, जो फूल बेचता है, वो खुजुत्रा से कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आज व्यस्त हूँ और तुम थोड़ा सा मेरी मदद करो, क्योंकि मैं अपने फूल भगवान बुद्ध को अर्पित करना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें और फूल दूंगा, तुम तब तक थोड़ा मेरा काम में मदद करो। खुजुत्रा इस प्रस्ताव को मान ले लेती है, क्योंकि उसे आज ज़्यादा फूल मिलने वाले हैं और वो भी फूलों को लेके भगवान बुद्ध के जहाँ घोषिताराम बिहार है वहाँ जाती है और वहाँ जाके उनके वचनों को, उनकी वाणी को सुनती है। जब वो उनके वचन और वाणी सुनती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि जो जीवन वो जी रही है, चोरी का जीवन, 4 मुद्राएं रोज चुराने का जीवन, उससे तो उसके शरीर की और उसके मन की हानि बहुत ज़्यादा है, अब के बाद वो ऐसा नहीं करेगी। और वहाँ से वो सोतापन होती हुई आती है और जब वो रानी के पास फूल लेके जाती है तो उस दिन उसके पास 8 मुद्राओं के वो फूल खरीदती है और रानी को 8 मुद्राएं भी वापस कर देती है। सामावती उससे पूछती है कि ये इतने सारे फूल भी लेके आई है और 8 मुद्राएं कासरपण जो वापस कर रही है, क्या कारण है? तब वो बताती है कि मैंने जीवन भर जब भी फूल लिए, 4 मुद्राएं रोज चोरी की हैं और मैं ये काम करती थी,
तो सामावती ने पूछा आज क्यों नहीं किया, तो उसने बताया कि आज जो सम्यक संबुद्ध आए हैं, भगवान बुद्ध आए हैं, मैं वहाँ गई थी, उनका मैंने वचन सुना, तो मेरा मन अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब ये बीमार मन पूरी तरह से स्वस्थ है, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। सामावती उसे डांटने की बजाय उससे कहती है कि ठीक है, तुम हमें वो बताओ जो भगवान बुद्ध ने तुम्हें बताया है। और वो अपनी 500 सहेलियों के साथ में तैयार होकर अच्छे मन से वो बात सुनती है। खुजुत्रा ऐसे के ही ऐसे शब्द जो वहाँ उसने सुने हैं, जो वाणी वहाँ सुनी है वो बताती है। उसे सुन के वो 500 की 500 जो सेविकाएं और जो स्त्रियाँ होती हैं, जो उनकी सामावती की सहेलियाँ होती हैं, वो सभी की सभी स्वतपन्न हो जाती हैं। उनको भगवान बुद्ध की बात बहुत अच्छी लगी और वो उनकी अनुयायी हो जाती हैं। उनकी ये बात चलती है तो वो भगवान बुद्ध को देखने के लिए, उनकी चारिका को देखने के लिए अपने महलों में जो छिद्र हुए हैं जो झरोके हैं, जो खिड़कियां हैं, उनसे वो भगवान बुद्ध को आते जाते देखती हैं। जब वो नगर में चारिका के लिए आते हैं और वो 500 की 500 सहेलियाँ महिला वहाँ खड़े होके और उनका वंदन करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं। एक दिन जो मागंडिया थी, मागंडिया वो 500 सहेलियों से पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्या करते हो सुबह सुबह, क्योंकि उनको मागंडिया के चित्त का, उसके मन का पता नहीं है, क्योंकि मागंडिया आजीवन भर के लिए भगवान बुद्ध की दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि उसके रूप सौंदर्य को उन्होंने मल मूत्र का शरीर बताया था और छूने से भी मना करने की बात कही थी। ऐसा जानकर, मगर चूंकि वो जो सहेलियां हैं उनको पता नहीं है, तो वो अपने जो उनका सरल चित्त है, सरल मन है, उससे बताती हैं कि हम भगवान बुद्ध का वंदन करती हैं, स्तुति करती हैं जब भी वो यहाँ से आते जाते हैं। ये सुनकर उसको पूरे शरीर में आग लग जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही उनकी दुश्मन है। और वो जो राजा उदयन होता है, राजा उदयन को कहती हैं कि देखो ये बात बाहर जा रही है, ये बाहर के संपर्क में है और ये ऐसे ऐसे करती हैं, कोई भी घटना घट सकती है। वो राजा उदयन जब सामावती से पूछता है तो सामावती कहती है कि हम भगवान बुद्ध की वंदन स्तुति करते हैं। वो राजा उदयन क्या करता है कि उन खिड़कियों को, झरोखों को बंद करा देता है और बंद कराने के बाद में सामावती को कुछ नहीं कहता। ये असफल होने के बाद में, क्योंकि कहानियाँ बहुत सारी हैं और लंबी हैं, ये असफल होने के बाद में मागंडिया कुछ पैसे देके गुंडों को भिजवाती है और उनके पीछे लगाती है जो भिक्खु चारिका करने के लिए आते हैं, जो चारिका करते हैं। उस समय भिक्खु संघ में जो आनंद होते हैं वो जाके भगवान बुद्ध से कहते हैं कि यहाँ जो लोग हैं हमें परेशान कर रहे हैं और हमें यहाँ से चलना चाहिए। भगवान बुद्ध कई गाथाएँ उसमें बताते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें यही रहना चाहिए। और 7 दिन के बाद में ये जो गाली गलौज का जो माहौल है, जो दुखद माहौल है, या जो ऐसा माहौल बनाया गया है, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लोग थक जाएंगे। ये बात सच है और 7 दिन के बाद के अंदर ही वो लोग थक जाते हैं। मागंडिया का ये 12वीं विफल हो जाता है। उसके बाद मागंडिया एक चाल और चलती है। उसे पता चलता है कि जो भगवान बुद्ध का अनुयायी होता है वो जीव हत्या नहीं करता। ऐसा जानकर वो अपने चाचा, जो मागंडीय चाचा हैं, उनको बुलाती है और उनसे 8 पक्षी जीवित और 8 पक्षी मृत लाने को कहती है। और वो फिर राजा से कहती है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए 8 पक्षी मैंने पकड़वाए हैं जंगल से, आप इनका स्वादिष्ट भोजन करें और इनको पकाएं। राजा कहता है कि इनको अच्छा कौन पकाएगा, तो वो मागंडिया कहती है कि ये 500 जो सहेलियां हैं और ये सामावती की सहेलियां, ये बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, आप इनसे बनवाइए, ये बहुत बढ़िया खाना बनाएंगी। राजा मागंडिया, जो राजा उदयन होते हैं, वो मागंडिया की बात मानते हुए और वो जो जीवित पक्षी हैं वहाँ भिजवाते हैं, मगर जो सामावती है वो जीव हत्या के लिए मना कर देती है। तो मागंडिया भड़काती है कि देखो उसने आपके कहने पे इनकी जीव हत्या नहीं की और खाना नहीं बनाया, मगर अगर यही पक्षी वो बुद्ध के लिए पकाने के लिए आप कहोगे तो वो पका देगी। ऐसा जानकर राजा उदयन दोबारा से पक्षी भेजते हैं और आदेश देते हैं कि ये बुद्ध के लिए खाना बनाया जाए। इस बार जो मागंडिया है वो जीवित पक्षी ना भेज के मृत पक्षी भेजती है, और मृत पक्षी जब सामावती के पास पहुंचते हैं तो सामावती कहती है ये हमारा काम है, हम इसको अच्छे से कर देंगे, और वो भोजन को पका देती है, उस मांस को पका देती है, क्योंकि वो मृत मांस है, मृत मांस तो मटेरियल के बराबर होता है। तब राजा को वो मागंडिया भड़काती है कि देखो बुद्ध के लिए तो इसने जीव हत्या कर दी मगर आपके लिए नहीं की, ये आपकी सगी नहीं है, ये आपकी पटरानी, आपके आदेश के अनुसार नहीं चलती है, ये बुद्ध के आदेश के अनुसार चलती है। ऐसा करके उसने भड़काया। बहुत टाइम लगा वो हर छोटी बड़ी बात पे राजा उदयन को भड़काती रहती थी। उसके बाद
क्योंकि राजा उदयन की 3 रानियां थी और वो बारी बारी से अपनी रानियों के महल में जाते थे, तो जब सामावती का नंबर आया तो मागंडिया ने अपने चाचा मागंडिया से एक सांप मंगाया और सांप को उस बांसुरी में छुपा दिया जिस बांसुरी को राजा बजाता था, और उसको फूल से बंद कर दिया। फिर वहाँ ऐसा नाटक किया कि जैसे सामावती ने सांप छोड़ा है और वो मारना चाहती है, और बड़ा शोर शराबा मचाया और उसने सामावती पर आरोप लगाया कि वो राजा उदयन को मारना चाहती है। ऐसा जानकर राजा उदयन को बड़ा गुस्सा आया और उसने सभी स्त्रियों को तीर से मारने का एक तीर उठा लिया, कमान उठा ली, और तीर जैसे ही उसने चढ़ाया तो उसने देखा कि सामावती और उसकी 500 सहेलियाँ बिल्कुल शांत और विपसना मुद्रा में हैं। उनकी तरंगें इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी तरंगें आ रही थीं कि राजा के हाथ से तीर चला ही नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ उदयन को कि ऐसी क्या बात है, इसका मतलब ये सच है, और उनकी सच्चाई जानकर राजा बहुत खुश हुआ और उसको सामावती को कहा कि आप एक वर मांगो, वर का मतलब है श्रेष्ठ चीज़ आप मांगो। तब सामावती कहती है कि भगवान बुद्ध प्रतिदिन यहाँ आए और महल में आके उपदेश दें। भगवान बुद्ध के पास जब ये मैसेज पहुँचाया गया कि राजा उदयन चाहते हैं कि आप प्रतिदिन उनके महल में आके और वहाँ बुद्धवाणी करें, प्रवचन दें और जो धम्म देशना है उसको करें, तो बुद्ध ने बड़े नम्रता से कहा कि बुद्ध जो होते हैं वो लगातार एक जगह नहीं जाते कभी भी, भोजन के लिए, पिंडपात के लिए, चारिका के लिए, या वचन या प्रवचन या धम्म देशना के लिए। ऐसा सम्यक्षम बुद्धों का नियम है, मगर आनंद आ जाएंगे। आनंद वहाँ अपने भिक्षुओं के साथ में जाते हैं और जाके वहाँ पर वो देशना देते हैं। देशना से सुनने के बाद वो बहुत खुश होती हैं, लाभान्वित होती हैं, 500 उनकी जो 500 सहेलियाँ होती हैं, और वो अपना जो ओढ़ना है, जो महंगा ओढ़ना है, वो उनको दान में दे देती हैं। आनंद 500 ओढ़ना लेके और बहुमूल्य ओढ़ना लेके बिहार में आ जाते हैं। राजा उदयन को जब ये पता चलता है कि आनंद को 500 ओढ़ना दिए गए, तो राजा उदयन ने सोचा कि क्या ये ओढ़ना बेचते हैं जो इतने सारे ओढ़ना ले गए। तब वो आनंद से पूछते हैं कि आप क्या करते हो जो ये चीवर या ओढ़ना आपको मिलते हैं। एक कहानी है जो बताते हैं और जो सच भी है। तब आनंद उन्हें बताते हैं कि हम चीवर उनको देते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, जो पुराने चीवर होते हैं उनको फिर हम बिछा लेते हैं, और ज़्यादा पुराने चीवर होते हैं तो हम उनका तौलिया बना लेते हैं, और ज़्यादा पुराने चीवर होते हैं तो हम उनका पैर पोछने का पोछना बना लेते हैं, और ज़्यादा पुराने चीवर होते हैं तो हम उनको पायदान बना लेते हैं, और ज़्यादा अगर चीवर पुराना बेकार हो जाता है तो हम उसकी लुगदी बना लेते हैं और ढल्ला या कोई बर्तन बना लेते हैं, और भी अगर ज़्यादा हो जाए तो हम उसकी दिया बाती बना लेते हैं। तो राजा ने कहा कि मैं बिल्कुल प्रसन्न हुआ, धन्य हुआ कि आप इतना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और मेरी तरफ से 500 चीवर और। राजा उदयन उनको 500 चीवर और देते हैं। तो मागंडिया के सारे जितनी भी चालें हैं वो लगातार उल्टी पड़ती जाती हैं। अब इतनी सारी चालें उल्टी पड़ने के बाद में मागंडिया, क्योंकि मागंडिया को भगवान बुद्ध से बहुत ज़्यादा द्वेष है और वो बदला लेना चाहती है, तो भगवान बुद्ध से तो बदला नहीं ले पाती। वो क्या करती है कि जब राजा उदयन शिकार पर जाते हैं तो पैसे दे के गुंडों को और 500 सहेलियों सहित राजा जो रानी सामावती है उनके महल को दरवाजा बंद करके और आग लगवा देती है। आग लगवा के उनको जीते जी जलवा देती है। भगवान बुद्ध से जब पूछा जाता है कि जो 500 ये स्त्रियां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं उनकी क्या स्थिति है, तो वो बताते हैं कि कुछ इनमें से सोतापन हुई हैं, कुछ इनमें से सकदागामी हुई हैं, और कुछ इनमें से अनागामी हुई हैं। तो इस तरह से वो उनकी स्थिति बताते हैं। राजा उदयन को जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे उनकी रानी मारी गई और उनकी जो सहेलियाँ थी वो मारी गई, तो बड़े दुखी होते हैं, मगर वो जानते हैं कि ये सारा काम मागंडिया ने किया है। मागंडिया के मुंह से उगलवाने के लिए वो एक अभिनय करते हैं कि सामावती बड़ी दुश्मन थी, कभी सांप छोड़ती थी, कभी कुछ करती थी, अच्छा हुआ किसी मेरे शुभचिंतक ने मुझे बचा लिया और मैं उस शुभचिंतक का बड़ा आभारी हूँ और मैं उसकी बड़ी सेवा करना चाहता हूँ। मागंडिया अपने दम में आके सारी बात उगल देती है कि उसने किया है, और अपने चाचा जो मागंडिया चाचा था और बाकी जो रिश्तेदार थे उनकी मदद से किया है। राजा कहता है कि आप उनको बुला लीजिए, मैं उनको इनाम दूंगा, और वो जो उनके जितने भी आए हुए जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे उन सबको बुला लेते हैं। बाहर से आए हुए जो भी मागंडिया के रिश्तेदार थे वो उन सबको बुलाते हैं। राजा उन सबको बुला के और उनका बड़ा खातिरदारी करता है, फिर उनको नाभि तक जमीन में गड़वा देता है। उसके बाद उनको हाथियों से कुचलवा देता है और ऊपर उनके जीवित उनको आग में लगा देता है। उसके बाद उसके टुकड़े करके और मागंडिया को खिलाने पे मजबूर करता है ताकि मागंडिया खाए, और फिर मागंडिया को वो
मार देता है। इस प्रकार मार्गंडेय की कहानी का, सामावती की कहानी का अंत होता है। जो कथाएं कही गई हैं उनकी गाथा 2.1 इस प्रकार है। अपमादो अमत पदंग पमादो मच्चूनो पदंग अपमत्ता ने मियंती ये पमत्ता यथा मता। अपमादो अमत पदंग, अपमादो का मतलब है ए पमाद वाला, यानी कि जो प्रमाद ना करता हो, जो संयत हो, यानी कि जो राग द्वेष में लिप्त ना हो, उसको बोलते हैं ए प्रमादी या ए पमादो। ए प्रमादी बोलते हैं उसको संस्कृत भाषा में, और पमादो यानी पमादो, ए पमादो बोलते हैं उसको पाली भाषा में। अमत पदंग, अमत पदंग का मतलब है, एक होता है मत, मत माने होता है जो नशे में रहे, जो संयमित ना रहे, जो राग द्वेष में लिप्त रहे, उसको बोलते हैं ये बड़ा मत है। मत का मतलब यहाँ मस्त से भी आता है, कह रहा बड़ा मस्त घूम रहा है, यानी बड़ा मत है। और अमत का मतलब है कि जो संयमित हो, राग द्वेष से दूर हो, और जिसने अपने आप को बुराइयों से बचा लिया है, उसको अमत बोलते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति होता है वो उसको बोलते हैं अमत पदंग, यानी कि उस पद वाला है। पमादो, पमादो का मतलब है जो प्रमाद करने वाला व्यक्ति है, पमादो। पमादो मच्चुनो पदंग, मच्चु का मतलब है यहाँ पे, मच्चु जो बोलते हैं वो है मृत्यु। पाली में जो मच्चु है उसको संस्कृत भाषा में मृत्यु बोलते हैं, यानी जो पमादो है, जो राग द्वेष से लिप्त है, मच्चुनो पदंग का मतलब है कि वो मृत्यु के पद को प्राप्त होता है, वो बड़े दुख में, बहुत परेशानी में और मृत्यु के समान पद में रहता है। अपमत्ता ने मियंती, अपमत्ता का मतलब है ए पमाद वाला गुण हो गया, यानी जिसमें ए प्रमाद का गुण हो, जिसमें राग द्वेष से युक्त ना रहने का गुण है। अमत्ता ने मियंती, यानी ऐसा व्यक्ति जो प्रमाद नहीं करता, ने माने नहीं और मियंती माने मरता है, ऐसा व्यक्ति नहीं मरता है। ये पमत्ता यथा मता, ये माने जो, पमत्ता माने जो प्रमाद में रहने वाला है, यथा माने जैसे, और मता माने मृत के समान या बिल्कुल जो असंयमित होता है उसके समान वो होता है। ये पहली गाथा है, इस गाथा की 2.1 यानी किस्मी, उसका ये गाथा का सार है। एक बार मैं हिंदी में आपको फिर बता देता हूँ। अपमादो अमत पदंग पमादो मच्चुनो पदंग, यानी कि जो अप्रमाद में रहता है, जो राग द्वेष से दूर रहता है, वो अमृत पद यानी कि जो निर्माण पद होता है एक तरह से, जो उच्चतम पद होता है साधना का, उसको प्राप्त करता है। और जो प्रमादी होता है उसको लगभग मत प्रद यानी मृत्यु के समान वो पद उसे मिलता है। और जो अप्रमाद वाले लोग हैं वो कभी नहीं मरते, और जो प्रमाद वाले व्यक्ति हैं जो राग द्वेष पड़े रहते हैं, वो तो समझो जैसे जिए ही नहीं है, वो तो मरे के समान ही रहते हैं। यानी कि जो राग द्वेष में व्यक्ति रहता है, जो प्रमाद में रहता है, वो लगभग मरे के समान होता है। और जो राग द्वेष में लिप्त नहीं रहता है वो अमृत पद यानी निर्माण पद, निर्वाण पद के साथ में लगभग रहता है। 2.2 और 2.3 के बाद लगातार है ये गाथा और कथा जो अपमाद वक्की हैं, ये बहुत मशहूर कहानी है। और बताते हैं कि सामावती का जो एरिया है, सामावती का जो टेंपल है, वो दिल्ली के पास में आर के पुरम के पास में है। आर के पुरम के पास में सम्राट अशोक ने वहाँ अपना शिलालेख भी लगवाया है, जो शिलालेख आज भी वहाँ पर है। और कालका जी का जो मंदिर है वो बताते हैं कि वो रानी सामावती का टेंपल है। ये कहानी कम्मासपुर की और दिल्ली के आसपास की है, और दिल्ली के आसपास जो गेटर क्लास का और कैलाश कॉलोनी का एरिया है वो बड़ा फेमस है। उसकी जो पहाड़ी है, वो पहाड़ी उस कहानी को बार बार बताती है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। वहाँ जो शिलालेख है वो नेट पर देखा जा सकता है, शिलालेख पूरी तरह से अशोक लिपि में लिखा हुआ है। धन्यवाद।